हेलो गाइस, दिस इज विकास एंड वेलकम टू सिंप्लीफाई ब्लॉगिंग वंस अगेन। सो गाइस, जो आज का जो वीडियो है ना, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पॉकेट ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पर्सनल तो हम नहीं कह सकते उसको, कहने का मतलब है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने उस स्ट्रेटेजी पे वर्क किया तो काफी अच्छी वर्क कर रही है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, है ना। अब पर मैं आपको पहले बता दूं, मैं जो स्ट्रेटेजी है जो शेयर करने वाला हूँ, मैं आपको पहले डेमो अकाउंट पर करके दिखाऊंगा कि मैंने डेमो अकाउंट पर स्ट्रेटेजी को टेस्ट करके देखा तो काफी अच्छे रिजल्ट मिले। इवन मैं लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं आपका लाइव अकाउंट भी आपको दिखा दूंगा और डेमो अकाउंट भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आप हमारी जो पॉकेट ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है वो हम कैसे काम करती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर वो ओटीसी मार्केट पे काम करती है, ओटीसी का मतलब ओवर द काउंटर मार्केट पे अगर काम कर रही है, तो नॉर्मल जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है जो वीकेंड्स पे, जो सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है, तो मंडे टू फ्राइडे जो फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग होती है उस पर बहुत अच्छे काम करने वाली है स्ट्रेटेजी। इवन ओटीसी में भी ये काम करती है, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। सो गाइस, मैंने अभी अपना डेमो अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है। तो डेमो अकाउंट में जो मैंने स्ट्रेटेजी टेस्ट की है, मैं उसके आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, वरना आप बोलोगे यार कि फालतू बोल रहा है साला, कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को, ये मेरी ट्रेड्स हैं जो मैंने ली है। ये देखो $1, ये देखो धमाधम मैं लेते जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ ट्रेड्स लॉस भी होता है, बट आप कवर कर लेते हो बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि 100% कोई स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती, तो काफी अच्छी वर्क करेगी स्ट्रेटेजी। आप ये देख सकते हो यहाँ पे लगातार मैं विन करते जा रहा हूँ, ठीक है। इवन अब देखो, ये जो मेरा डेमो अकाउंट, मैं आपको अपना लाइव अकाउंट भी दिखा देता हूँ, ना आप बोलोगे इसके से सिर्फ डेमो अकाउंट में काम करता है, लाइव में काम ही नहीं करता। तो मैं आपका लाइव अकाउंट देखो, ये मेरा लाइव अकाउंट है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा $32.28 है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, क्विक ट्रेडिंग करके दिखा देता हूँ एक बार मैं। देखो ये, देखो ये, देखो लाइव अकाउंट 32.28, ठीक है। तो आज वैसे ओटीसी का ओवर द काउंटर है, तो सैटरडे संडे को क्या है, मैं कभी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि यार उस दिन मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, मार्केट में वोटिलिटी रेट जो है बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन है, साइड वे चल रहा है मार्केट, तो यार मैं तो नहीं राय दूंगा किसी को ट्रेडिंग करने के लिए। तो सैटरडे संडे आप छोड़ दो, मत करो यार, क्यों अपना पैसा वेस्ट करते हो, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कैसे काम करती है। तो चलिए हम लोग डेमो अकाउंट पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करती है, ठीक है। और यार कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर डेमो अकाउंट और ये जो दूसरी डेमो अकाउंट और लाइव अकाउंट, दोनों में हम डेमो में हम जीतते हैं, लाइव में हम नहीं जीतते। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, दोनों में सेम ग्राफ चलते हैं, ऐसे सब फालतू की बातें हैं। दिस इज रियली अ वेरी गुड ब्रेकर, और इसके सर्वर्स इंडिया के अंदर भी लगे हुए हैं, और ये बहुत फास्ट काम करता है। आप जैसे आप ट्रेड यहाँ प्लेस करेंगे ना, बहुत जल्दी आपकी ट्रेड लगती है, मतलब आप किसी भी लेवल पे आप ट्रेड मिस नहीं कर सकते अपनी, मतलब कोई भी आप बार पे लगाएंगे फट से आप ट्रेड लगेगी। बहुत फास्ट सर्वर है इनके, बहुत अच्छा पॉकेट ऑप्शन ब्रोकर, बहुत अच्छा है, विड्रॉल भी बहुत जल्दी मिल जाता है आपको, इट्स वेरी गुड ब्रोकर, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन करें, पैसा कमा सकते हैं, अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप न्यू है बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। तो गाइस चलिए अभी हम लोग डेमो अकाउंट पे चलते हैं, मैं चला गया डेमो अकाउंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेमो अकाउंट पे देखो, अब यहाँ पे ना स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिख रहा है आपको, ये टाइम फ्रेम, ये है ना M3 M1, इनको हटा देना आप, ठीक है। टाइम फ्रेम आप यहाँ पे रखोगे 30 सेकेंड, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना ये 30, तो मिनिमम 30 सेकेंड का आप टाइम फ्रेम रखो। देखो तो यहाँ पे 30 सेकेंड का, ये यहाँ रखोगे तो 1 घंटा हो जाएगा, ये 1 मिनट यहाँ करोगे तो 1 मिनट 30 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अभी हम कितना रखने वाले हैं, 30 सेकेंड का टाइम फ्रेम, ठीक है। और जो इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं वो हम यूज करने वाले हैं एलिगेटर, ठीक है, एलिगेटर हम यूज करने वाले हैं, और साथ में हम इंडिकेटर यूज करने वाले हैं CCI, ठीक है। तो थोड़ा हम सेटिंग चेंज करें ताकि अच्छे लगे। CCI का जो पीरियड है वो हम रखेंगे 14 डेज का, ठीक है। और मेन लाइन है इसको थोड़ा व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट अच्छी लगती है। बैकग्राउंड जो है ऊपर वाला जो है ओवरबॉट हो जाएगा, और नीचे वाला जो है ओवरसोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर में हो गया और ये रेड कलर में हो गया, और इसे हम लोग सेव कर देते हैं, ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हम चेंज कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, सो हम ब्लैक कर देते हैं बैकग्राउंड, तो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, ठीक है, ये हमें दिखने लग गया आराम से, ठीक है। तो ये CCI देखो नीचे ये सेटिंग जो है हमें आराम से दिख रही है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सो गाइस ये देखो, वैसे फुल स्क्रीन अजीब लगती है मुझे कई बार, ऐसे ही सही है, तो यहाँ पे मैंने कर रखा है। अब गाइस और जो ये टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पे ना टाइम फ्रेम ये है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, M3, M5, H1 का मतलब 1 आवर, H4 4 आवर, डे का मतलब day 1, ठीक है, 1 डे का टार्च चाहिए आप, चार्ट चाहिए आपको टाइम। तो अभी हम लोग ना 30 सेकेंड का चार्ट लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने 30 सेकेंड पे क्लिक कर दिया,
तो अभी 30 सेकंड का चार्ट लेके चल रहा हूं मैं, टाइम फ्रेम सिर्फ 30 सेकंड का मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग एक अच्छा सा ढूंढते हैं यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे ट्रेड लेना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यार ये नीचे तो दिखा रहा है, बट ये देखो तो सीसीआई ना बिल्कुल बीच के अंदर घूम रहा है, तो अभी हम नहीं लेंगे यहाँ पे। सो गाइज, जैसे ये वाली जो ट्रेड ऑप्शन है ये भी सही हो सकती है, बट एक बार सीसीआई मुझे अगर इंडिकेशन दे देता है तो मैं इसे ऊपर की तरफ ट्रेड ले लूंगा। तो इसमें ये काम ऐसे ही काम करता है ये। सो गाइज, अभी यहाँ पे तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला, कोई और देखते हैं। अभी देखो सीसीआई नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। आई एम सॉरी, हम कोई दूसरा देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पे भी नहीं ले सकते, यहाँ पे भी नहीं। कोई जैसे ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा मुझे ट्रेड लेने का, सो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं लगा देता हूँ ऊपर $1 की ट्रेड। ठीक है, तो ये मैंने लगा दी $1। देखो 30 सेकंड की मैंने ट्रेड लगाई है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, ऊपर जाएगा ये। ये देखो हालांकि सीसीआई नीचे जा रहा है, पर फिर भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये देखो एलिगेटर जो है ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चांसेस है हमारे जीतने के। ये देखो काफी अच्छे चांसेस, ये देखो हम लोग ये ट्रेड हम जीतेंगे। जा ऊपर जा, ये देखो ये चला गया। मतलब काफी रिस्की तो रहता ही है यार। देखो ये वाली ट्रेड हम हार गए, बाय बाय चांस, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी ट्राई करते हैं, कोई और देखते हैं, हम रिकवर कर लेंगे इसको। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैं 2 ट्रेड लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 ट्रेड लगाई है। एलिगेटर हमने सिग्नल दे दिया, एलिगेटर बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, और सीसीआई भी ओवरबॉट कंडीशंस में है, तो अभी हम लोग ऊपर के ले रहे हैं, कि अभी हम लोग वो नहीं लेंगे ओवरबॉट, अगर लोग बोलते हैं ओवर होल्ड कंडीशन लोग, क्योंकि इसमें सिर्फ 30 सेकंड का टाइम फ्रेम है। तो गाइस लेट्स सी क्या होता है। अभी तो हम हार रहे हैं, ये देखो जीतेंगे, अभी हम जीतेंगे यार, जीतेंगे। ठीक है, तो ये वाले हम ट्रेड देखो जीत गए, अभी हमारा बैलेंस इतना था, हमारा बैलेंस बढ़ गया। सो अब हम लोग कोई और ऑप्शन देखते हैं हम लोग, अच्छा सा, जहाँ पे ओवरबॉट कंडीशंस हो और इस तरह से हो, तो हम टाइम फ्रेम लेके फट से निकल जाएंगे हम लोग। तो हम यहाँ पे भी हम निकल सकते हैं वैसे देखा जाए तो। देखो हमने $1 लगाया है, देखो यहाँ पे भी देखो ये इंडिकेशन दे रहा है ऊपर की तरफ, ये देखो बार ऊपर ही जा रहा है बॉस। ये देखो सीसीआई जो है ऊपर की तरफ है, ओवरऑल कंडीशन चल रही हैं, तो हमारे चांसेस जीतने के हैं इसमें। तो गाइस ये वाली ट्रेड भी हम लोग जीत गए हैं, और आगे चलते हैं। सो गाइस देखो बैलेंस $28 हो गया है हमारा, और देखते हैं कोई अच्छी ट्रेड देखते हैं इसमें। यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक बार रुको मैं नीचे करके दिखाता हूँ। सीसीआई नहीं, अभी तो यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है ये, बट अभी कुछ कह नहीं सकते यार, कुछ और देखते हैं। चलो इसमें देख लेते हैं यहाँ पे कोई इंडिकेशन है क्या। हाँ, अगर ये ऊपर जाता है ना ग्राफ, कई बार क्या वेट करना पड़ता है। अब अच्छा वेट करो सिग्नल का, अच्छा आपको सिग्नल मिलता है ना तो आपको फायदा भी हो सकता है। जैसे ही इसको यहाँ पे क्रॉस कर देगा ना, ये दोनों ये तीनों लाइनें ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे, तो हम लोग सिग्नल हमें दे देगा ये। हम बैट बढ़ा देते हैं, $10 की लगाते हैं यार, क्यों ना पैसा बढ़ाया जाए। ठीक है, नहीं $10 ज्यादा है, कभी भी लालच नहीं करने का, कम ही लगाने का, एक साथ 2-3 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये सिग्नल दे रहा है, बट ये जब ये तीनों लाइन एक साथ ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो मैं इसको मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अभी ये सिग्नल प्रॉपर नहीं है ये। अभी भी देखो सीसीआई ने क्रॉस नहीं किया है, सीसीआई जैसे इसको क्रॉस करेगा ना गाइस, तो आपको ही मजा आने वाला है। यहाँ पे इसको क्रॉस करने दो, और ये सिग्नल अभी पूरा नहीं दे रहा है। देखो लग तो रहा है ये दे रहा है, ये जाएगा, पर कोई भरोसा नहीं होता कई बार। आपके ये जला गया ऊपर, अभी ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाना, डरो मत दोस्तों, ऊपर जाएगा, डरने का नहीं लगा देने का। ये देखो ये क्रॉस कर गया ना, ये अभी जाएगा ऊपर, जा जा ऊपर जा। तो 10 सेकंड बचे हैं, तो भी देखो हम ट्रेड जीत रहे हैं। 7 सेकंड अभी भी मुझे उम्मीद है हम जीत सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे होता है कई बार। ओह शिट, थोड़ा सा से हार गया, देखना अभी ऊपर जाएगा थोड़ी देर में ग्राफ, होता है कई बार यार। ये देखो ये चला गया ऊपर, मतलब यार कभी कभी टाइम फ्रेम यार, ये ओटीसी मार्केट पे हम ट्रेड करना आज इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, अदरवाइज हम लोग 100% ट्रेड जीते। तो अभी मैं जो है ऊपर की 2 ट्रेड लेने वाला हूँ जीतने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी ये मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं आने वाला। तो गाइस आप देख सकते हैं,
एलिगेटर ने हमने पहले ही सिग्नल दे दिया है यहाँ पे, सो लेट्स सी क्या होता है यार। ओटीसी मार्केट में यही प्रॉब्लम होती है कि मार्केट का कुछ पता नहीं होता है कि नीचे जाने वाला है ऊपर जाने वाला है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे हमें लगता है कि ऊपर जाएगा, ये ग्राफ ऊपर चला गया, ये देखो रिस्क बहुत ज्यादा है यार इस मार्केट में, ठीक है। तो ये देखो, तो देखो यार आप ये देख सकते हो यार इस, अभी देखो हमने कितनी ट्रेड जीती है, ये देखो यहाँ पे एक दो, मतलब हमने मुश्किल से दो तीन ट्रेड हारी होंगी, बट मैंने काफी ट्रेड जीती है यार, क्योंकि ओटीसी मार्केट में ट्रेड जीतना मतलब बहुत मुश्किल काम है यार, ठीक है। अब देखना एक ट्रेड हम और लिए हमने, और ये ट्रेड भी हम लोग जीतने की उम्मीद रखते हैं, ठीक है गाइस। सो 24 सेकेंड है ये देखो, मैंने सिर्फ मुश्किल से मैंने 30 सेकेंड ट्रेड लेता हूँ, ज्यादा 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 ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है। तो गाइस ये ट्रेड भी हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि देखो एलिगेटर ऊपर की तरफ सिग्नल दे रहा है और ये ओवरबॉट कंडीशंस में है, ठीक है। इसने अभी तक तो नीचे का सिग्नल नहीं दिया है, तो ज्यादा लंबा नहीं लेने का, कम ही रखने का। कमॉन कमॉन, अरे यार हल्की सी से बच गए कोई बात नहीं है। तो आपने देख लिया स्ट्रेटेजी वर्क करती है, चलो हम लोग रिकवर करने की कोशिश करते हैं इसको, हम कोई और करेंसी देते हैं, बार बार एक करेंसी पटके नहीं रहने का, क्योंकि कई बार कुछ पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे इसने सिग्नल दिया है, दो ट्रेड ले लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये देखो ये नीचे की तरफ जा रही है, हमने दो ट्रेड लिए और ये ओवरबॉट की तरफ ही जा रहा है, नीचे की सीसीआईडी में नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। 9 सेकेंड है, जाएगा नीचे जाएगा ये, यार ये तो ऊपर चलने लग गया, कोई बात नहीं हम ऊपर की तरफ ले लेंगे। तो अभी अब ये ट्रेड ऊपर जा रही है, तो हमने फट से ऊपर की लगा दी, ताकि ऊपर की तरफ हम लोग हार नहीं जाए, विन कर जाए, बैलेंस जो है हमारा 28 से ऊपर जाएगा। एक्चुअली मैं वो आपको दे देता हूँ, क्योंकि यार देखो इसने सिग्नल जो है चेंज, जैसे सिग्नल चेंज करे तो आप ऊपर ट्रेड लगा दो ताकि आप बच जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बच गया हूँ, क्यों निकल गया साफ साफ, क्योंकि मुझे पता था ये ट्रेड गड़बड़ जा रही है। तो ये देखो जैसे ही ट्रेड रिवर्सल हुआ तो मैंने ऊपर ट्रेड लगा दिया और फट से मैं निकल गया प्रॉफिट करके, ठीक है। तो दो ट्रेड, आपके पास पैसा होना जरूरी है अकाउंट में, आओ ये देखो यहाँ पे निकल गया मैं, ठीक है। तो ये देखो गुड जॉब विकास, डोंट मिस अपॉर्चुनिटी टू गेट रियल प्रॉफिट, यहाँ पे मेरे को मैसेज भी आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड जीत सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है रिवर्सल भी हो जाती है, बट अगर आपको लगे ना रिवर्सल होता है, फट से ऊपर ट्रेड लो और $1 पे आप रखो और दो चार बार ट्रेड ले लो, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए। अब जैसे यहाँ पे देखो इंडिकेटर सिग्नल है नीचे का, तो मैं यहाँ पे ये देखो फिर ऊपर जाना था इसको, ये मारा मैंने, अब मैंने एक डॉलर के यहाँ पे ले लिया, ये ले ली मैंने, नीचे जाएगा ये, क्योंकि यार ये सिग्नल दे रहा है नीचे की तरफ। ये देखो तीनों लाइन नीचे जा रही है, ये एलिगेटर देखो नीचे की तरफ सिग्नल दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो मैं देख रहा है ना आपको, एलिगेटर नीचे की तरफ सिग्नल दे रहा है कि कह रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, और सीसीआई भी नीचे की तरफ ही है, तो ये चांसेस जीतने के हमारे बहुत है स्टेट पे, रियल ट्रेड हम जीतेंगे। तो गाइस हम ये ट्रेड जो है हम जीत चुके हैं, और ये हमारा बैलेंस 28 पॉइंट हो गया है। अभी भी मुझे लगता तो है नीचे जाएगा, बट अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। तो गाइस अभी नीचे जाएगा, मैंने दो ट्रेड लिए इसकी नीचे की तरफ, ठीक है, एक ट्रेड लिए सॉरी। अब ये वाली ट्रेड भी हम लोग जीतेंगे, ये जो साफ सिग्नल दे रहा है सीसीआई की नीचे जा रहा है यार, ये देखो ओवरबॉट कंडीशन है, 100% नीचे जा रहा है ये देखो। तो मुझे लगा कि सिग्नल दे रहा है बढ़िया प्रॉपर, तो मैं फट से नीचे की ट्रेड ले लिए, यहाँ भी हम जीतेंगे, मुश्किल से 30 सेकेंड ट्रेड ली होगी मैंने। तो यार देखो रिस्क तो है, पर रिस्क लेने से ही पैसा बनता है, ठीक है, पर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना कि पैसा ही साफ हो जाए आपका, ठीक है। तो हमारा डॉलर जो है $29 हो गया, तो मतलब इस तरीके से हम देखो काफी अच्छी हमने ट्रेड्स ली हैं, यहाँ पे हमने ट्रेड्स ली हैं, और इवन रियल अकाउंट में भी ट्रेड करके मैं आपको दिखाऊंगा कभी। सो गाइस अभी मैं ट्रेड इसलिए नहीं ले रहा यार, क्योंकि अभी ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट में क्या है पलटी भर दिखाता है, कई बार सिग्नल गड़बड़ देता है, तो आप समझो कि ओटीसी मार्केट में अगर ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है सॉरी, तो रियल मार्केट में ही बहुत अच्छी काम करेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास। आपको वीडियो पसंद आता है तो बेल आइकन को जरूर दबाना, नोटिफिकेशन को जरूर बटन जरूर दबाना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच, दिस इज विकास।